चार प्रकार की मृत्यु का वर्णन भी आया है। चार प्रकार की मृत्यु में एक तो जो हमारे पूर्वज हम नहीं जानते हैं कि किस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त हुए, क्या जल में डूबकर मरे हैं, या वृक्षों के गिर जाने से मरे हैं, या दावानल या अग्नि में झुलस के मरे हैं, या तो धरती में धस के मरे, या तो ऐसे कोई अकस्मात में मरे। हम नहीं जानते जो हमारे पूर्वज हैं वो किस मृत्यु को प्राप्त हुए, हम नहीं जानते। वो जिस भी मृत्यु को प्राप्त हुए, मैं उनका पुत्र, फलाना फलाना नाम, फलाना फलाना गोत्र, मैं अग्निदेव को प्रार्थना करता हूँ कि मेरा श्रद्धा सहित किया हुआ ये कर्म उन सभी प्रकार की मृत्युओं को प्राप्त हुए पितरों की भी मुक्ति करे जो ऐसी ऐसी मृत्यु को प्राप्त हुए, और मेरा ये श्राद्ध कर्म उनको पहुँचता करे। भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करके ही पुत्र को बैठना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया। हमारे मित्र कोई चल बसे हो, हमारे शत्रु कोई चल बसे हो, उनका भी हम पिंडदान करें। पितरों का श्राद्ध करने से क्या फल होता है? धन आया हुआ सुरक्षा होती है, और जो नहीं आया है उसमें बढ़ोतरी होती है, प्रजा में वृद्धि होती है, धन की सुरक्षा होती है, आयुष्य का विकास होता है, बल का विकास होता है, आयु बढ़ती है और शक्ति मिलती है। इसीलिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में भूल कर भी बकरी का दूध उपयोग में नहीं आना चाहिए। मसूर और मटर की दाल गलती से भी नहीं बनानी चाहिए उस दिन। पूजा में कमल, बिलीपत्र, धतूरा, अलसी और महुआ। अब क्या उपयोग में लेना चाहिए उसका विधान बताते हैं। कुश, उड़द, साठी के चावल, गाय का घी, जौ, मूंग, गन्ना, सफेद फूल पितरों को प्रिय होते हैं, और शहद तो बहुत ही पितरों को प्रिय है। इसीलिए श्राद्ध के भोजन में कोई भी दो वस्तु ऐसी बनानी चाहिए जो एक घी में बनी हो और एक शहद में बनी हो।